नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। आज इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का टेक्सकाई चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं क्वालकॉम के क्विक चार्ज 4 की टेक्नोलॉजी में आपसे बात करने वाला हूँ। हालांकि क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 जो है अगले साल 2017 में लॉन्च होगा। क्वालकॉम ने कहा है कि इसकी कंपैटिबिलिटी अभी तक सिर्फ स्नैपड्रैगन 835 चिपसेट पे आएगी, तो अगले साल स्नैपड्रैगन 835 का चिपसेट भी लॉन्च होगा किसी न किसी फोन में। लीक्स इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि जो मी 5 है शाओमी का, उसके अंदर हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 चिपसेट देखने को मिल सकता है। उसके साथ में ही हमें क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4 की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। तो मैं पहले तो सबसे पहले क्वालकॉम की क्विक चार्ज 4 के फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा क्वालकॉम क्विक चार्ज 3 के साथ में, और वाकई देखेंगे हम लोग कि क्या ये 4 जो आया है इतना एफिशिएंट या इतना पावरफुल है या भी नहीं। तो दोस्तों देखते हैं कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर कंपनी ने ऑन पेपर क्लेम किया है कि 0% से 50% तक चार्ज करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट में आपकी बैटरी 50% तक चार्ज हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक हमें किसी भी फ़ोन में ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिली है। हालांकि वन प्लस का जो डैश चार्ज है वो आधे घंटे में 60% बैटरी को चार्ज करता है, लेकिन क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 के साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 0 से 50% सिर्फ 15 मिनट में चार्ज हो जाएगा आपका फ़ोन। तो ये सबसे अच्छा फीचर यही है कि 15 मिनट के समय में 50% की बैटरी चार्ज हो जाना, मतलब कमाल की बात होगी अगर ये टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। तो जो दूसरी ऐसी अच्छी फीचर्स कंपनी ने क्लेम की है वो है, अगर आप अपने फ़ोन को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर सिर्फ 5 मिनट चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी पूरी दिन में 5 घंटा आपका साथ दे देगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं आउट स्टेशन है, अगर आपको 5 मिनट भी अपनी बैटरी चार्ज करने का मौका मिल जाता है तो आपका 5 घंटे का समय आसानी से निकल जाएगा उस फोन के साथ। तो दोस्तों कंपनी ने कुछ ऐसी फीचर्स भी बताई है इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज हमें देखने को मिलते थे पिछले फ़ोनों में। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सैमसंग A5 2016 के साथ में, जो फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, जब मैं उसे चार्ज पे लगाता हूँ तो बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं। फ़ोन कभी कभी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मुझे टच करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये एक अच्छा फीचर है कि जब आप फ़ोन को चार्ज पे लगा रहे हैं तो आपकी हीटिंग इश्यूज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और बहुत ही फ़ोन ठंडा रहेगा। ये भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। कंपनी ने कुछ और भी बताया है कि इससे 3-4 प्रोटेक्शन हमारे फ़ोन को और मिलेगा, जैसे कि जब आप फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं तो ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन भी मिलेगा, यानी कि फ़ोन को आप कभी कभी चार्ज पे लगा के भूल जाते हैं और फ़ोन चार्ज हो चुका है ऑलरेडी और बहुत समय निकल जाता है, तो इससे क्या होते हैं फ़ोन की बैटरीज में कभी कभी इश्यूज या तकलीफ आने की गुंजाइश होती है। लेकिन कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि अगर आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के भूल भी जाते हैं तो इसमें ओवर चार्ज की कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाली है। आपको ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको ओवर करंट का भी प्रोटेक्शन इस टेक्नोलॉजी में देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने बड़े ही सोच समझ के एक एक चीज़ और एक एक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसको क्वालकॉम के क्विक चार्ज 4 को डिज़ाइन किया गया है। तो कंपनी ने कुछ और ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं इसके अंदर, जैसे कि बैटरी सेविंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत सारे मिथ ऐसे थे पिछले फ़ोनों में कि सबको लगता था कि यार फ़ोन अगर जल्दी से चार्ज हो जाता है तो उसकी बैटरी भी बहुत जल्दी उतर जाती है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने जल्दी से आपकी बैटरी चार्ज होती है वो एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, वो कंपनी ने ऑप्टिमाइजेशन फ़ोन के साथ किया होता है, इसके लिए आपकी बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि बैटरी जल्दी चार्ज हो रही है तो बैटरी जल्दी ड्रेन भी हो जाएगी, ये आपके यूसेज के ऊपर होता है। तो कंपनी ने इसमें यह भी क्लेम किया है कि आपकी जो बैटरी है उसको भी सेव करने में मदद करने वाली है। जितनी जल्दी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, ड्रेन होने में उतना से उतना कम समय हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो बैटरी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स लेके आया है इस क्वालकॉम के क्विक चार्ज 4 में। तो हम कंपेयर करेंगे क्वालकॉम के क्विक चार्ज 3 को और क्वालकॉम के क्विक चार्ज 4 को। जी हाँ दोस्तों, क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3 थोड़ा पुराना हो चुका है, 1 साल लगभग होने आए इसे मार्केट में रिलीज होते हुए, और जो 4 आएगा वो नेक्स्ट ईयर आने वाला है। तो दोनों में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो क्वालकॉम 3 जो था उससे 20% मोर एफिशिएंट क्वालकॉम 4 को बनाया गया है। तो चार्जिंग की जो टाइम है उसे इंक्रीज की गई है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है और आपको देखने को बैटरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो 3 से बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं 4 को। तो सबसे मेन डिफरेंस यही है कि जो टाइमिंग लगता है चार्ज करने का वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब 50% से रिड्यूस किया गया है टाइम को, तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखा जाएगा एफिशिएंसी को लेके, तो एफिशिएंसी में 30% और इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है।
30% भी बहुत अच्छा आंकड़ा होता है अगर एक नई टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं। तो क्वालकॉम के क्विक चार्ज 2 की बात करें तो 2 जब आया था मार्केट में वो भी एक काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी था उस समय के लिए, लगभग 1.5-2 साल पुराना हो चुका है। लेकिन जब 3 आया मार्केट में तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, लगभग 40% ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला था क्वालकॉम क्विक चार्ज 3 में। लेकिन जब अब क्विक चार्ज 4 आएगा तो उसमें भी लगभग 20-30% और हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है। तो हमारा टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल का वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, लगभग 2-3 साल बाद तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं। 2-3 छोटे मोटे फीचर्स और दिए गए क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 के साथ में, जो सबसे पहला ये है कि कंपैटिबिलिटी को लेके, तो हालांकि अभी तक यही इन्फॉर्मेशन मिली कि स्नैपड्रैगन 835 के साथ में आएगा, तो फ्यूचर में देखेंगे कि किसी और फोन के साथ में या किसी और प्रोसेसर के साथ में भी हमें ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है नहीं मिलती है। तो कंपनी को क्या करना होता है, मोबाइल कंपनी को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं अगर उन्हें क्विक चार्ज 4 चाहिए अपने फोन में। तो अगर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करती है क्वालकॉम को तो क्वालकॉम वो टेक्नोलॉजी उसे फोन में यूज करने को देगा, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। और छोटे मोटे फीचर्स ये हैं कि कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि जैसे कि यूएसबी टाइप सी होता है, नॉर्मली अपना यूएसबी टाइप पोर्ट होता है, वो दोनों में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं कि यूएसबी टाइप सी आएगा तो उसमें ही आपको ये फीचर देखने को मिलेंगे, आपको दोनों ही पोर्ट में ये फीचर्स देखने को मिलने। तो कंपनी बताती है कि 100 से ज़्यादा ऐसे मोबाइल्स हैं मार्केट में और 600 से ज़्यादा ऐसे एक्सेसरीज हैं जो क्वालकॉम के क्विक चार्ज 2 और 3 को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कंपनी ने बताया है कि 600 मिलियन ऐसे स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज कंपनी ने अब तक सोल्ड कर दिए हैं मार्केट में जो क्वालकॉम के क्विक चार्ज 2 और 3 को सपोर्ट करते हैं। तो देखने वाली बात यह है दोस्तों, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2 और 3 को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आम जनता की ओर से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 को भी ऐसे ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ आपको मोबाइल के चार्जर के बारे में। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार फास्ट चार्जर कैसे पता करें कि क्या कौन सा फास्ट चार्जर है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप अपने फोन चार्जर पे देखिए कि उसमें कौन सा वोल्ट दिया गया है। अगर वो 5 वोल्ट का चार्जर है तो वो एक नॉर्मल चार्जर है। अब 5 वोल्ट के साथ में कितने एम्पियर का चार्जर है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए दोस्तों आपका 5 वोल्ट का चार्जर है और उसमें 1 एम्पियर लगा हुआ है तो वो 5 वाट का चार्जर हो जाता है, यानी कि वो फास्ट चार्जर नहीं है, एक नॉर्मल चार्जर है। 5 वोल्ट के चार्जर के साथ 2 एम्पियर का भी उसमें देखने को मिलता है, तो यानी कि 5 × 2 यानी 10 वोल्ट का चार्जर है, तो वो भी दोस्तों एक फास्ट चार्जर नहीं है, लगभग से लगभग नॉर्मल चार्ज वो आपके फ़ोन को कर देंगे। अब बात करूँ फास्ट चार्जर की, तो फास्ट चार्जर में जो वोल्ट मिलता है वो 9 वोल्ट मिलता है, 12 वोल्ट मिलता है, 25 वोल्ट भी देखने को मिलता है। तो 9 वोल्ट × 2 एम्पियर यानी 18 वाट, यानी ये एक फास्ट चार्जर होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्ज करने में सक्षम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर कुछ भी मुझसे छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उन्हें भी नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं भी आते हैं तो प्लीज़ आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करूँगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।